subscribe, and turn your notifications on. Chapter 8 Public Offences के बारे में deal करता है और Chapter 8 में Unlawful Assembly भी एक topic है और ये एक criminal offence है. अब हम Unlawful Assembly के बारे में देखेंगे कि Unlawful Assembly होती क्या है, कैसे form होती है और इसकी punishment क्या है. तो इस section में हम यही देखेंगे. FIR under Section 145 Joining or Continuing of unlawful assembly. Whoever join or continues in an unlawful assembly knowing that such unlawful assembly has been commanded in the manner prescribed by law to disperse shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 2 years or with fine or with both. Matlab ye ke agar police किसी ऐसी अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स होने के लिए कहती है और उसके पास पुलिस के पास ऑर्डर्स भी हैं और वो अनलॉफुल असेंबली अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन उसको डिस्पर्स किया जा सकता है या अकॉर्डिंग टू कोर्ट्स के ऑर्डर उस असेंबली को डिस्पर्स किया जा सकता है या ऑर्डर्स आ गए उस असेंबली को डिस्पर्स करने के, तो पर अगर उसकी अनाउंसमेंट होती है कि आप लोग अब डिस्पर्स हो जाएं, आप लोग यहां से चले जाएं, नॉर्मली ये अगर आपस पे स्कूल यूनिवर्सिटी में बच्चे आपस पे लड़ पड़े, ठीक है, वहां पर आप लोग कहें कि अब लड़ाई नहीं करनी, आप डिस्पर्स हो जाएं, या कुछ लोग जुलूस निकाल के खड़े हैं, इत्तेजाज कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, रोड्स पे, अपने ऑफिस के बाहर कहीं भी, आप लोग कह रहे हैं कि अब हम ऑर्डर्स ले आए और पुलिस आ गई, पुलिस आके कह रही है आप लोग डिस्पर्स हो जाएं, अगर उसके बावजूद भी आप लॉ को फॉलो नहीं करते हैं और डिस्पर्स नहीं होते हैं, देन उस कंडीशन में जो आपको पनिशमेंट मिलेगी वो होगी 2 इयर्स की पनिशमेंट होगी, जेल जाएंगे 2 साल तक के लिए और साथ में फाइन भी होगा और आपको फाइन और जेल दोनों भी हो सकती हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब एंड टर्न योर नोटिफिकेशंस ऑन.